वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, मूवमेंट की आज एक और क्लासेस आपके पास में है। आज की क्लासेस में हम रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है, मैं डिस्क्राइब कर देता हूं आपको। देखिएगा, रिलेशन समझेंगे आज की क्लासेस में, रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन का मतलब कि जीरो के नियरेस्ट मूवमेंट यहां पे चेक करते हैं हम। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। एक तो सबसे पहले आपने पढ़ा था मूवमेंट अबाउट मीन, सबसे पहले मूवमेंट अबाउट मीन, जिसको आपने सेंट्रल मूवमेंट के नाम से भी पढ़ा, इसी को आपने सेंट्रल मूवमेंट के नाम से भी पढ़ा। इसमें सबसे पहले आपके पास में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। इसके बाद आपने रो मूवमेंट के बारे में पढ़ा, रो मूवमेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप वन, म्यू डैश टू, म्यू डैश थ्री एंड म्यू डैश फोर। और एक आपके पास पे जिसमें हम ए एज्यूम करते हैं रो मूवमेंट में, और एक हमारे पास में है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे वी वन, वी टू, वी थ्री एंड वी फोर। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं हम यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बारे में बात करेंगे अभी हम, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीन मूवमेंट अबाउट मीन एंड ओरिजिन मूवमेंट, ओरिजिन मूवमेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब आप यहां पर देखें, सबसे पहले अगर आप देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मूवमेंट अबाउट मीन एंड ओरिजिन मूवमेंट, तो सबसे पहले आपने जो पुराना एक फॉर्मूला कल रिलेशन का पढ़ा था उसमें आपने यही पढ़ा था म्यू वन डैश रो मूवमेंट वन इक्वल वन की, तो आपने टू से निकाला था आपने, याद है आपको, सेंट्रल मूवमेंट और दो है तो दो टर्म यूज होगा, म्यू वन तो रह गया रहेगा और दो है तो उसके ऊपर पावर टू, याद है? तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, बस यहां पर आप वी टू का रिलेशन, क्योंकि इस केसेस में ऑलवेज आपका वी वन, पहले लिख देता हूं, वी वन आपका ऑलवेज क्या रहने वाला है, एक्स बार रहने वाला है। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे आप। तो यहां पर वी वन तो निकालने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि वी वन आपका एक्स बार रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं यहां पर हम वी टू, तो वी टू कैसे निकालोगे, अपना टू का फॉर्मूला याद करो जरा कल का, ये था आपका
टू था और प्लस टू ये था ना। तो बस जहां पर आपके पास में रो मोमेंट है उसकी जगह पर जहां म्यू डैश है वहां पर बस आप वी रिप्लेस कर दो, टू वी डैश से वी रिप्लेस कर दिया, ये सिमिलर रहेगा प्लस वी वन का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास में पहला हो गया, दूसरा हो गया। इसी तरीके से वी थ्री कैसे निकालोगे, तो वी थ्री का फॉर्मूला क्या था आपके पास में, ये आप निकाला था कल, थ्री का म्यू थ्री डैश, तो किस तरीके से निकाला था आपने, थ्री और प्लस थ्री टू वन एंड प्लस म्यू वन का पावर थ्री, ऐसे निकाला था ना आपने, याद होगा। तो आज की क्लास में बस क्या करना है आपको, जो डैश है म्यू डैश तो बस इससे रिलेट करके के फॉर्मूले को आप पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। देन वी फोर, तो आपके पास में म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री वी वन सिक्स म्यू टू वी वन प्लस वी वन रेस्ट टू पावर फोर। तो आपका रिलेशंस में आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे और कुछ बातें, खासकर बातें तो भैया से पूछूं, मेरे पास में अभी नहीं है, लाइव क्लासेस में वेट कर लो। हाँ जी देखिएगा, यहां पर आप देखें वी वन इक्वल्स टू एक्स बार होता है और म्यू वन डैश रो मोमेंट आपके पास में एक्स बार माइनस ए होता है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, बड़ा बहुत आपके हेल्प आपके काम आएंगे दो चीजें। ये चीजें देख लीजिए जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद दो क्लास और रह जाएगी फिर आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट द मीन आपको गिवन है, तो अबाउट द मीन क्या होता है, म्यू वन इक्वल्स टू 0.3, क्या है ये पॉइंट जीरो 3.2, म्यू वन तो आपका जीरो होता है ना ऑलवेज, म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर ये गिवन है आपको, म्यू टू आपके पास में 3.2, म्यू थ्री है आपके पास में 3.6 और म्यू फोर आपके पास पे 20 दिस वन, और निकालना क्या है, मीन वैल्यू इज 11 और आपको यहां पर गिवन है एक्स बार इक्वल्स टू 11। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट जीरो, अबाउट जीरो मीन्स अबाउट ओरिजन, तो आप कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट रिलेशन में सबसे पहले तो आपको V1 निकालना है, तो V1 क्या होता है आपका x बार होता है, तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या रहेगा x बार 11, तो सबसे पहले तो आपके पास में फर्स्ट आ गया V2, V2 कैसे निकालेंगे आप, म्यू टू प्लस V1 का स्क्वायर। अब V2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो म्यू टू की वैल्यू गिवन आपके पास में 3.2 प्लस V1, तो V1 आपने क्या निकाला 11 का स्क्वायर, V2 इक्वल्स टू 3.2 प्लस 121, V2 इक्वल्स टू 121 और 3 124.2। अब इसके बाद आप निकालेंगे V3, V3 का फॉर्मूला हो गया आपका म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू वी वन प्लस वी वन रेस टू पावर थ्री। V3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो म्यू थ्री की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है 3.6 प्लस थ्री एंड म्यू टू की वैल्यू आपके पास में है 3.2 एंड बी वन की वैल्यू आपके पास में है 11, वी वन की वैल्यू 11 रेस टू पावर 3 एंड वी थ्री इक्वल्स टू 3.6 प्लस 11 मल्टी
मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3, 105.6 प्लस 1331। सॉल्व करेंगे, वी थ्री इक्वल्स टू 105.6 प्लस 3.6, 144। वी फोर इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, म्यू फोर प्लस फोर म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री वी वन प्लस सिक्स म्यू टू वी वन प्लस वी वन रेज टू पावर फोर। वी फोर इक्वल्स टू म्यू फोर, म्यू फोर की वैल्यू आपके पास में है 20, प्लस आपके पास में फोर इंटू म्यू थ्री, तो म्यू थ्री की वैल्यू आपके पास में है 3.6, 11.6। म्यू टू की वैल्यू आपके पास में 3.2 एंड बी वन 11 प्लस बी वन की 11 रेस्ट टू पावर 4। सॉल्व करेंगे आप, वी फोर इक्वल्स टू 20 प्लस 11 इंटू 3.6 इंटू 4, 158.4 प्लस 11 इंटू 3.2 इंटू 6, 211.2 एंड प्लस 14641 प्लस 4 इक्वल्स टू 15030.6। क्लियर है? जरा देख लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। डन बच्चों, आगे देखेंगे आप। द फर्स्ट फोर मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू, अबाउट द वैल्यू फोर, ये आपके पास में बेसिकली क्या है, रो मूवमेंट है आपका। और ये क्या है रो मूवमेंट, दिस वन म्यू वन म्यू डैश टू म्यू डैश थ्री म्यू डैश फोर। कैसे पता लगा रो मूवमेंट, किसी वैल्यू के अगर नियर बाय निकालते हैं तो रो मूवमेंट होता है, वो डैश से रिप्रेजेंट होता है। ये वैल्यू क्या गिवन है आपके पास में, 1 4 10 45, 1 4 10 45। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द मीन एंड ओरिजन। अब सबसे पहले यहां से आप जो रिलेशनशिप बिटवीन आपने पढ़ा है रो मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट, तो वहां से आपके पास में अबाउट द मीन आप निकाल सकते हैं, और अबाउट द मीन से आप फिर अपने पास में अबाउट द ओरिजन निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर पूरा का पूरा चेन प्रोसीजर चलेगा, देख लीजिए, फिर भी आप भी साथ साथ करिए। सबसे तो पहले यहां पे अबाउट द मीन निकालना है आपको, अबाउट द मीन। तो रिलेशन क्या है, सबसे पहले आप वी अबाउट द मीन निकालेंगे, डैश टू इक्वल्स टू म्यू टू प्लस डैश वन का स्क्वायर। हां जी, तो ये म्यू टू, टू की वैल्यू आपके पास में क्या है, 4, ये म्यू टू प्लस वन की वैल्यू क्या आपके पास में, 1, तो म्यू टू इक्वल्स टू 3, म्यू टू आ गया। और आपको पता है कि म्यू वन तो जीरो होता है,
इसको तो निकालने की नीड नहीं है। बात करते म्यू थ्री की वैल्यू, तो म्यू थ्री कैसे निकालेंगे, थ्री म्यू टू म्यू डैश प्लस म्यू डैश की पावर थ्री, एंड म्यू डैश थ्री की वैल्यू क्या है आपके पास में, टेन। म्यू थ्री सेंट्रल मूवमेंट तो निकालना है थ्री, एंड म्यू टू की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया यहां पर थ्री, एंड म्यू वन की वैल्यू, म्यू वन डैश की वैल्यू वन एंड वन की पावर थ्री, तो टेन प्लस म्यू थ्री प्लस नाइन प्लस वन, टेन इक्वल्स टू म्यू थ्री प्लस नाइन प्लस वन। आगे सॉल्व करेंगे तो टेन, तो म्यू थ्री इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, जीरो। अब आप यहां से निकालेंगे म्यू फोर डैश फोर, तो म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री डैश वन सिक्स म्यू टू डैश वन एंड म्यू डैश वन का वन फॉर फोर, तो फोर की वैल्यू हमारे पास में 45 एंड म्यू फोर ये आपने निकालना है, और फोर और म्यू थ्री आपके पास में जीरो इंटू म्यू वन आपके पास में जो भी है उसका कोई आप यूज नहीं कर सकते, म्यू वन डैश का वन प्लस सिक्स म्यू टू की वैल्यू आपके पास में आई है थ्री, एंड म्यू वन डैश की वैल्यू आपके पास में है वन एंड प्लस वन रेस टू पावर फोर। 45 इक्वल्स टू म्यू फोर प्लस जीरो प्लस 18 प्लस एक, नाइन इसमें से माइनस कर देंगे आप, 36 म्यू फोर की वैल्यू आ गई, चारों की वैल्यू आ गई ना। अब यहां से आप क्या निकालेंगे अपना, अब आप यहां से वी की वैल्यू निकालेंगे वी वन, तो वी वन निकालने की जरूरत नहीं है, वी वन आपके पास में क्या होता है, वी वन आपके पास में होता है बच्चे एक्स बार। तो कैलकुलेट द फोर मूवमेंट अबाउट द मीन एंड ओरिजन, तो म्यू वन आपके पास में एक्स बार होता है, म्यू टू, आप सोचेंगे सर कि ये एक्स बार की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, करें आगे क्वेश्चन करें बच्चे। अट्ठारह होगा, हाँ 6 18 सॉरी 18 19, 45 माइनस 19 म्यू फोर 26। हाँ जी, अब सबसे पहले यहां पर निकालेंगे आप वी वन, तो वी वन क्या होता है, वी वन होता है एक्स बार। अब एक्स बार तो आपको पता ही नहीं, बट कोई बात नहीं, नहीं मालूम तो आपको पता नहीं, ये म्यू डैश वन क्या होता है, ये आपका पास होता है एक्स बार माइनस ए, ठीक है। म्यू वन डैश आपके पास ऑलरेडी है वन, एक्स बार क्या है आपके पास में, ये आप यही तो आपको निकालना है, माइनस ए, ए क्या है आपके पास में, ए आपके पास में यहां पर गिवन है अबाउट फोर, तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या आया 5। तो बच्चे इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब तक वी वन की वैल्यू नहीं आएगी तो आगे कैसे निकाल लोगे आप, वी वन इक्वल्स टू 5। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट, मैंने पीछे लिखवा दिया था इसके बारे में। अब आगे देखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो आपके पास में वी टू, वी टू की वैल्यू क्या होगी, वी टू इक्वल्स टू म्यू टू प्लस वी वन रेस टू पावर टू, एंड वी टू फाइंड कर रहे हैं म्यू टू, म्यू टू ऑलरेडी आपने अपना कैलकुलेट करा थ्री, वी वन आपने निकाला फाइव का स्क्वायर, एंड वी टू इक्वल्स टू थ्री प्लस 25 इक्वल्स टू 28। अब बात करते हैं वी थ्री की, वी थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू एंड वी वन प्लस वी वन रेस टू पावर थ्री। अब वी थ्री, वी थ्री की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बट म्यू थ्री की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला क्या, जीरो प्लस थ्री इंटू म्यू टू, तो म्यू टू की वैल्यू आपने क्या निकाला यहां पर टू, एंड वी वन की वैल्यू क्या निकाला 5, एंड वी वन की वैल्यू 5 की पावर 3, तो वी थ्री इक्वल्स टू आपके पास में 10 30 और प्लस 125, तो वी थ्री इक्वल्स टू 120 150 155, तो निकाल सकते हैं बच्चे आप इस तरीके से वी फोर भी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपने कैलकुलेट करना होता है, तो आसानी है।
हाँ जी, क्या कह रहे हैं बोलिए, कमेंट करके बोलिए बच्चे। U23 होगा, U23 होगा। अच्छा U2, मैंने पांच कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, पांच कहाँ 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 कहाँ, थ्री रखा हर जगह। U2 यहाँ पे, V3 इक्वल्स टू U3, U3 0 प्लस 3 एंड U2 इक्वल्स टू 3 × V1, 5 प्लस 5 का क्यूब। V3 इक्वल्स टू 15 या 45 प्लस 125, 165। V3 इक्वल्स टू 160, आपके पास 130 और 40, 170। क्लियर है? और ऐसे ही आप फिर अपना V4 भी कैलकुलेट कर लोगे, तो आसान है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द फर्स्ट थ्री मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू टू, अबाउट द वैल्यू, अबाउट द वैल्यू का मतलब क्या हो गया आपके पास से? बेसिकली रो मूवमेंट दिया हुआ है, तो रो मूवमेंट लिख लेता हूं मैं। द फर्स्ट थ्री, वन रो मूवमेंट, टू रो मूवमेंट, थ्री, ये गिवन है आपका। वो गिवन है आपके पास में 116 एंड -40, 116 एंड -40 रिस्पेक्टिवली। शो दैट द मीन थ्री, हमें प्रूफ करना है मीन थ्री है। तो मीन थ्री प्रूफ करने के लिए कोई हमें खास एफर्ट की नीड नहीं है। बेसिकली म्यू वन की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट का मैं आंसर दे रहा हूं। म्यू वन की वैल्यू क्या होती है, ये एक्स बार माइनस ए होता है, और म्यू वन की वैल्यू हमारे पास में ए है, एक्स बार मुझे पता नहीं है, और माइनस ए, ए हम किसकी नियर ले रहे हैं, दो की नियर ले रहे हैं, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। हो गया प्रूफ, यही कह रहा है कि मीन प्रूफ करो तीन है, तो मीन थ्रू थ्री है। ये वेरिएंस क्या होता है, ये वेरिएंस क्या होता है बच्चे, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस बेसिकली आपके बेसिकली म्यू टू की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है 15। तो आइए मैं टू की वैल्यू निकालता हूं, तो म्यू टू की वैल्यू क्या होगी, म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू। तो किससे निकालेंगे आप, अपने रो मोमेंट से, टू इक्वल्स टू म्यू टू इक्वल्स टू म्यू प्लस टू। तो आपके पास में टू की वैल्यू तो गिवन है 16, म्यू टू पता नहीं, एंड म्यू वन डैश वन का स्क्वायर वन, तो कितना है आपके पास में, म्यू टू इक्वल्स टू 15। और म्यू टू ही क्या होता है, वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस प्रूफ हो गया आपके पास में कितना है 15। क्लियर है? ऑल्सो शो दैट द फर्स्ट थ्री मूवमेंट अबाउट द ओरिजन आर। बस आपके पास में इसी तरीके से आप इन तीनों से आप अपना म्यू वन, आपने निकाल म्यू वन आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, म्यू टू म्यू वन तो ऑलवेज आपका जीरो होता है ना, म्यू वन क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। म्यू टू आ गया, म्यू थ्री निकाल लोगे आप। ठीक है, और उसी से फिर आप अबाउट द ओरिजिन कैलकुलेट कर लेंगे, तो इजी क्वेश्चन आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट फोर मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द पॉइंट थ्री, रो मोमेंट है ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग मूवमेंट अबाउट द मीन। हमें बेसिकली सेंटर मूवमेंट निकालना है, एंड द वैल्यू फाइव किसके नियरेस्ट, द वैल्यू फाइव के, एंड द ओरिजिन, हमें इसका ओरिजिन भी निकालना है। तो आप अपने जो है करस्पॉन्डिंग मूवमेंट अबाउट द मीन ये निकालना है, द वैल्यू फाइव, और द वैल्यू फाइव के पास पे भी निकालना है। अबाउट द मीन निकाल लोगे ना आप इन चारों से, क्लियर है? और द वैल्यू फाइव, फाइव के नियरेस्ट आप अपने निकालेंगे। चलिए करो जरा इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद कुछ खास रह नहीं जाएगा। हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है, करिए जरा, आज की क्लासेस इस लास्ट क्वेश्चन से वाइंड अप करेंगे। करो, देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या क्या गिवन है, रो मूवमेंट वन टू थ्री फोर, ये वैल्यूज आपको गिवन है। और ये क्या है आपके पास है, -2, 10, -25 एंड 50। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट अबाउट द मीन। पहले आप फर्स्ट पार्ट निकालिए, अबाउट मीन फर्स्ट पार्ट,
अबाउट मी, तो रिलेशन बताया हुआ आपको। अबाउट आप मीन निकालेंगे तो आपको सबसे पहले म्यू वन निकालने की जरूरत नहीं, वो जीरो होता है। म्यू टू की बात कर लेते हैं, तो म्यू टू कैसे निकलता है रिलेशन में, म्यू टू प्लस म्यू वन डैस का स्क्वायर। म्यू टू की वैल्यू क्या आपके पास में, म्यू डैस 10 एंड म्यू टू प्लस म्यू वन, म्यू वन आपके पास में क्या है माइनस टू का स्क्वायर, तो फोर हो जाएगा। तो ये म्यू टू इक्वल टू सिक्स हो गया। अब आप निकालिए म्यू थ्री, तो म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू एंड म्यू डैश वन प्लस म्यू डैश वन रेस टू पावर थ्री। म्यू थ्री की वैल्यू क्या आपके पास में माइनस 25, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं थ्री। म्यू टू की वैल्यू क्या निकाली आपने सिक्स, और म्यू वन की वैल्यू आपके पास में माइनस टू, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस एट, माइनस टू का क्यूब। माइनस 25 इक्वल्स टू म्यू थ्री, यहां सॉल्व करेंगे 18 माइनस 54 एंड माइनस 8, फिर 6 दुनी 12, 12 तिया 36, माइनस 36 एंड माइनस 8। माइनस 25 इक्वल्स टू म्यू थ्री सॉल्व करेंगे माइनस 44 एंड प्लस 44, तो म्यू थ्री इक्वल्स टू 44 में से 25 गया, तो 5 30 और 15 और 4 19 19, क्लियर है। तो आपके पास में म्यू थ्री इक्वल्स टू क्या आया दिस वन। आप इसी तरीके से यहां पर म्यू फोर निकाल लीजिए, तो डैश फोर इक्वल्स टू म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री वन सिक्स म्यू टू वन, ये बी वन और बार लिखा रहा है, टू म्यू डैश वन प्लस म्यू डैश वन का पावर फोर। तो म्यू डैश फोर, म्यू डैश फोर की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू म्यू फोर, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर, और म्यू थ्री की वैल्यू हमारे आई है 19 एंड म्यू डैश वन की वैल्यू हमारे पास में है माइनस टू सिक्स म्यू टू, म्यू टू की वैल्यू हमारे पास में आई थी सिक्स, और म्यू वन की वैल्यू आई थी माइनस टू एंड 16। सॉल्व करें 50 इक्वल्स टू म्यू फोर, आगे सॉल्व करेंगे 38 इंटू चार माइनस 152 प्लस 72 प्लस 16। सॉल्व करेंगे इसको आप, माइनस 152 प्लस 72 माइनस 16, तो ये आपके पास है माइनस 208 प्लस 50 258। म्यू फोर इक्वल्स टू क्या आया 258 दिस वन। तो आपने चारों के चारों सबसे पहले आपने सेंट्रल मोमेंट आपने कैलकुलेट करा। अब क्या कह रहा है, द वैल्यू अगर आपके पास में ए इक्वल्स टू फाइव हो, इफ ए इक्वल्स टू फाइव हो, तो द ओरिजिन वैल्यू निकालना है आपको। तो द ओरिजिन निकालना है आपको बेसिकली, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जब ए इक्वल्स टू आपका फाइव हो गया, तो बेसिकली आपके पास में स्टार्टिंग में अगर आप चेक करते हैं ए इक्वल्स टू फाइव, तो इस केस में आप सबसे पहले 5 के नियरेस्ट किसी वैल्यू के नियरेस्ट निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मोमेंट कहते हैं। अगर आप रो मोमेंट 1 निकालेंगे 5 के नियरेस्ट, 5 कुछ भी नहीं है, बस एक मैंने रिमाइंडर डाल रखा कि भैया 5 के नियरेस्ट निकालना है, क्यों बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा ना सेम सेम, तो आपको बस यहां पर ये 5 के नियरेस्ट अगर आपको निकालना है, तो 1 की वैल्यू में क्या होता है, रो मोमेंट हमेशा 1 आपका होता है एक्स बार माइनस ए होता है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आपके पास में मीन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपके पास में 1 5 के केस में तो गिवन है ही नहीं, ए गिवन आपका 5 है, तो क्या करोगे आप पुराने वाले से अपनी जो है एक्स बार की वैल्यू फाइंड करें, म्यू वन, म्यू वन की बेसिकली वैल्यू क्या होती है, म्यू वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार माइनस ए, एंड म्यू वन की वैल्यू क्या थी माइनस टू एंड एक्स बार माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है आपके पास में पुराने वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, 3 था, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 3, एक्स बार की वैल्यू 1 आएगी। तो बच्चे आपने अगर एक बार एक्स बार निकाला ना किसी भी मीन सीरीज में,
तो वो एक्स बार चेंज नहीं होता है आपका। क्यों चेंज नहीं होता है जरा इस बात को समझ लीजिए। मैं चलिए यहीं बता देता हूं आपको। ए बेसिकली क्या होता है वो भी सबको समझ लीजिए एक बार। डाटा है 10, 15, 20, 25, 30। मीन निकालना है इसका। तो पहले मीन कितना होगा इसका, देखिए 20 इसका मीन हो जाएगा ना, जोड़ करेंगे 60 आ जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 55 और 55 और ये 60, 60 होती है 90, 100, 100 हो जाएगा। और एक्स बार होगा 100 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 20 होगा। अगर मैं एक्स में से कोई भी एक नंबर माइनस कर देता हूँ, माइनस ए कर देता हूँ, तो ए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ए में 15 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 15 माइनस करूंगा तो -5, 0, 5, 10 और 15 माइनस करता हूँ 15। अब इसका जब मैं मीन निकालता हूं तो क्या होगा, सम करेंगे 15, 5, 20, 10, 30, 25 डिवाइडेड बाय 5, बट जो ए है उसको वापस में प्लस कर देता हूं, तो ए मैंने वापस प्लस कर दिया इसमें 15, तो कितना आया मीन, 20 आया। अगर मैं 15 की जगह कुछ और माइनस कर देता हूं तो मीन थोड़ी चेंज हो जाएगा बच्चे, मीन तो वही रहेगा। 15 की जगह मैं ए में मैं 20 माइनस कर देता हूं, तो -10, -5, 0, 5 एंड 10, तो क्या जाएगा, 15, 15, 0 अपॉन में 5 एंड प्लस, वो ए प्लस करेंगे तो क्या आया आपका मीन, 20 ही तो आया। तो आप ए कुछ भी आप कर ले लें, मीन आपका चेंज नहीं होता है। अगर आपने अपना ए वैल्यू रिप्लेस चेंज कर दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका उस सीरीज का मीन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा चेंज, नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहले पुराने वाले के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर मीन निकाला, वो नए वाले का भी मीन वही रहेगा। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास में यहां पर 5 की वैल्यू निकालेंगे आप 1 के केस में, तो 1 का तो फॉर्मूला हमेशा ही होता है एक्स बार माइनस ए, तो 1 5 के केसेस में निकालेंगे आप एक्स बार, तो आपके पास में एक्स बार क्या होगा, एक्स बार आपके पास में क्या रहने वाला है, तो एक्स बार आपके पास में बच्चे रहेगा 1 माइनस ए। ए की वैल्यू क्या है यहां पर, 5 है, तो -4, 5 का जो वैल्यू रहेगा -4। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आपको आया। और इसी तरीके से आपके पास में 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 की वैल्यू निकालेंगे बट 5 वाले में केसेस में, तो 2 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, μ2 लिखोगे, μ में तो कोई चिन्ह नहीं आएगा उसमें आपका सेंट्रल मीन में, प्लस 5 वाले का क्या करना है आपने, स्क्वायर करना है। तो सॉल्व करेंगे तो μ2 की वैल्यू आपके पास में क्या है, μ2 की वैल्यू आप पुराने वाले ले सकते हैं ना, आप जो आपने निकाला, μ2 की वैल्यू आपके पास में 6 है, प्लस ये μ1, μ1 का स्क्वायर, तो μ1 क्या निकाला आपने, -4, तो 16, तो कितना आ गया आपके पास में, 22। इसी तरीके से आप जो है अपना 5 के अकॉर्डिंग 3 भी निकालोगे, 5 के अकॉर्डिंग 4 भी निकाल लोगे, और सेंट्रल मीन आपके पास पे तो आ ही गया था पहले, है ना, सेंट्रल मीन से आप ओरिजिन भी निकाल सकते हो। ये बात समझ में आपको आई, क्लियर है। अब अगर आप 5 वाले केस का फॉर्म में देखते हो, 5 में 2 की तो आ गई, अब आपको क्या निकालना है, 3 निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपके पास में μ3 + 3 μ2, μ है, और उसके बाद आपके पास में μ1 लेना है आपको 5 वाले का, क्योंकि 5 वाला है, ठीक है, और प्लस μ1 आपके 5 1 का आपके पास में पावर 3, 3, तो रिप्लेस कर दोगे आप, कर दोगे ना आप, μ3 आपके पास में ऑलरेडी है 3, μ2 आपके पास में ऑलरेडी है, μ1 5 वाला ऑलरेडी आपने निकाल लिया, और उसके बाद आपके पास में μ1 5 वाला ऑलरेडी, उसका क्यूब कर दोगे तो कैलकुलेट कर लोगे। अब आपके पास में निकालना है टू द ओरिजन, मूवमेंट अबाउट द ओरिजन, तो वो आपके पास में किससे निकलता है, रिलेशनशिप बिटवीन द मूवमेंट अबाउट द मीन एंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजन। आपने आपको भी मैंने पढ़ाया था कि फॉर्मूले में क्या चेंजेस करना है v1 v2 v3 करके, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस में आपने इस चीज को भी, रिलेशंस को भी अच्छे समझ लिया, अब मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक आपका वाइंड अप हो गया है। अब स्क्यूनेस कर्टिसिस की 2 क्लासेस में वो कवर हो जाएगा, और इसके बाद हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। आपकी डेट शीट
सही बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम्स की डेट शीट आपकी चेंज हो गई है। पहले 19 के अप्रोक्स आपका एग्जाम था, अब वो एंड ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम पहुंच गया है, तो आपके एग्जाम्स को 8-10 दिन और मिल गया। बिजनेस स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी डेट शीट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नया डेट शीट आया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो हमारे पास में दो क्लासेस में मैं खत्म कर दूंगा, मूवमेंट एस्क्यूनेस एंड कटेसिस। मेरे पास में पूरा 1 दिसंबर का पूरा 1 महीना रहेगा, और मेरे पास में 15 दिन नवंबर का रहेगा, 45 दिन रहेंगे। और मेरे पास में 2 यूनिट करवाने हैं, 2 यूनिट छोटे यूनिट्स हैं, इतने बड़े यूनिट्स नहीं है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं ये चैप्टर खत्म करवाने के बाद टेस्ट सीरीज भी आपका स्टार्ट कर दूंगा, बिजनेस स्टैट्स का, एक टाइम पे टेस्ट और एक टाइम पर कोर्स को आगे लेके जाऊंगा। टेस्ट के अंदर जो भी तक मैंने पढ़ाया है, जैसे कि मैं सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा उसी ऑर्डर में, उसके बाद फिर आपका मैं डिस्पर्जन से रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट में डाल दूंगा, फिर उसके बाद मूवमेंट ला दूंगा, फिर उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर। तो एक तरफ टेस्ट चलाता रहूंगा, आप रिविजन होता रहेगा 3 यूनिट, और एक तरफ मैं अपना सिलेबस आगे लेके जाऊंगा। जब तक मैं ये तीनों का टेस्ट खत्म करूंगा, मैं यूनिट 4 कवर कर दूंगा, एक जो यूनिट आपका बच रहा है वो कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसको टेस्ट में ले लूंगा, फिर मैं लास्ट यूनिट चलाऊंगा, और जब तक आपके टेस्ट में रिविजन में चलता रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत सीरियस हो जाइएगा। बच्चे लोग ग्रेजुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं, खासकर सोल वाले बच्चे तो लेते ही हैं, लेकिन रेगुलर वाले बच्चे भी बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं कॉलेज के अदर सोसाइटीज के अंदर, और अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे मार्क्स आपको लेकर के आने, आपको लेकर आना है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है बिजनेस स्टैटिक्स का, कोई मामूली सिलेबस, कोई छोटा सिलेबस तो है नहीं, इस बात का अंदाजा आपको अच्छे से हो चुका है। तो अब लास्ट 1-1.5 महीना है फेस्टिवल ऑफ, कल एक लास्ट है भैया दूज, उसके बाद आप पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में 4 से 5 घंटा दे दीजिए। अगर आपका पढ़ाई में फोकस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप बहुत गैप के बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा, 1.5 महीने के लिए आप अपने आसपास घर के लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करें, और अपने मॉर्निंग में उठ कर करके अपने जो है लाइब्रेरी में मॉर्निंग में 9 बजे तक 8 बजे तक कोशिश करो आप पहुंच जाइए। और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद आपके रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे हैं तो वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी यूज करें। तो इस तरीके से आप जो है अपने लाइब्रेरी में पहुंचे, और पहुंच करके कम से कम आप अपने सब्जेक्ट्स को टाइम टेबल अपना बना करके, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। जरूरी नहीं एक दिन में आप चारों पांचों सब्जेक्ट पढ़ें, एक दिन में आप एनडब्ल्यूएफ में 2 सब्जेक्ट पर फोकस कर लिया, टीटीएस में बाकी 2 सब्जेक्ट पर फोकस कर लिया, 2-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए। अभी नहीं करेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बिजनेस स्टैट्स में बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाएगी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।